greetings to all my dear students so dear students in my previous video i had talked about subject verb agreement till present perfect continuous tense past perfect continuous tense and future perfect continuous tense so if you have not gone through with any of my videos so just go below in the description box there you will find all the links which might be helpful for you so just click them and watch them and don't forget to subscribe my channel that is learn with chesta malwani तो आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट एंड जरेंट्स के बारे में तो अच्छे से समझते हैं इनफाइनाइट एंड जरेंट टेक सिंगुलर वर्ड जो इनफाइनाइट और जरेंट होते हैं वो सिंगुलर वर्ड लेते हैं कैसे समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ टू एक्सरसाइज रेगुलरली इज़ अ गुड हैबिट तो ये जेरेंट और इन्फिनेट के ही एग्जाम्पल थे आपको पता होगा कि टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज़ इन्फेनाइट एंड जेरेंट होते हैं आईएनजी फॉर्म तो एक और बात बता दूं अगर आपको इन दोनों ही चीज़ों के बारे में जरा सी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी वर्ब की वीडियोस में जाके देखें वहाँ पर मैंने इनका जिक्र किया है नाउ द नेक्स्ट इज द नंबर इज़ सिंगुलर सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब द नंबर जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा वाइन अ नंबर जब हम अ नंबर बोलेंगे मीन्स मैनी सो इट विल टेक रूरल वर्ब यहां अब आप कह रहे होंगे मैडम ने नंबर नंबर बोला नहीं बच्चों एक चीज आप भूल रहे हैं यहाँ अ नंबर है और यहाँ द नंबर है डोंट मिस दिस थिंग ओके तो चलिए देखते हैं द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ बैडमिंटन इज स्मॉल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल का नाउ दर्ड इजर दिंगर प्लूरल आर यूज विद नथिंग बट बिफोर दैन मतलब बोल रहा है कि जब नाउन आपकी यूज हो रही है जरूरत नहीं है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है बट पहले अगर उनके नथिंग बट आ रहे हैं पहले उनसे वर्ब विल बी सिंगुलर तो वो सिंग्यूलर ही होगी वर्ब जैसे नथिंग बट द स्मोक इसका ये मतलब है कि जब भी आपकी नाउन के आगे, आपका नथिंग बट लगा हो तब आपको ध्यान रखना है कि सिंग्यूलर ही आपकी वर्ब आएगी बात करते हैं नेक्स्ट की ईच ऑफ इच इधर ऑफ नीदर ऑफ इट्स वर्ड जैसे है, each of the girl is standing in the क्यों तो यहाँ हमको कुछ नहीं देखना हमें ईच देखना ईच है तो सिंगुलर वर्ड नीदर ऑफ द गर्ल्स वर्ड प्रेजेंट इन द्लास सो यहाँ नीदर लिखा है तो इट मीन्स यू नीड टू जस्ट कंसीडर नीदर ईदर ईच एंड सिंगुलर वर्ड लुक एट द नेक्स्ट वन दैट इज नाउंस डिनोटिंग मेजरमेंट टेक सिंगुलर वर्ड थर्टी थाउजेंड रुपीज इज ओके गुड अमाउंट ऑफ मनी यहाँ थर्टी थाउजेंड रुपीज बहुत सारे हैं पर यह एक अमाउंट है ओके गिव फाइव गैलेंस ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द इंजन रनिंग तो अब यहाँ पर यह देखना है आपको कि नाउन्स डिनोटिंग मेजरमेंट टेक सिंगुलर पर्व जो मेजरमेंट बता रही हूँ जैसे कि फाइव गैलन ऑफ ऑइल्स तो इसमें हम सिंगुलर ही करेंगे बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल स्पेशली दिस वन ओके सो लेट्स लुक ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज नेम्स ऑफ कंट्रीज़ मेड बाय कम्बाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ड ओके जैसे कि अगर आप किसी भी कंट्री का नाम लिख रहे हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का है तो उसमें सिंगुलर वर्ड लगती है जैसे कि द यूनाइटेड अरेब एमिरेट्स इज़ अ प्रॉस्पैरस कंट्री सो यहाँ पर इज इस इसलिए आया क्योंकि ये काफ़ी सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एक कंट्री के लिए

दी कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट इन डिफरेंट मैनर्स तो ये जो मैंने आपको बताए इनको आपको ध्यान में रखना है एंड टिल देन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज लर्न वि चेष्टा मालवानी हिट द लाइक बटन हिट द बेलाइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई कमिंग वीडियोज एंड डोंट फॉर गेट टू लीव अ कामेंट बाई स्टूडेंट्स